हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो या गाइस, मैंने आज अपने फेस पे कोई भी मेकअप नहीं कर रखा है। एंड यू नो, इसलिए नहीं कर रखा है क्योंकि आप टाइटल से देख के जान ही गए होंगे, क्योंकि मैं एक स्किन डिटॉक्स करने वाली हूँ पूरे एक वीक के लिए। सो यहाँ पे मैंने कोई भी मेकअप नहीं लगाना है अपने फेस पे। और आज है 8th of March, वुमेंस डे है आज। आज से मैं ये चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ। टिल नेक्स्ट मंडे मैं पूरा शूट करूँगी, एक व्लॉग टाइप से होगा और ये मैं पूरा शूट करूँगी, और बीच बीच में और भी चीज़ें, अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी पूरे इस वीडियो के दौरान। सो बेसिकली मैं इस वीक क्या क्या ट्राई करने वाली हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। मैं इस वीक में कहीं भी जाऊँ, चाहे बाहर जाऊँ, चाहे फ्रेंड्स के साथ घूमने जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, मैं कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं करने वाली अपने फेस पे। मैं पूरा अपने फेस को बेयर रखूंगी, सिर्फ स्किन केयर करूंगी मैं अपना अच्छे से। स्किन केयर, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से लगाऊंगी। और यू नो, उसके अलावा मैं कोई भी मेकअप प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने वाली, एक्सेप्ट अगर मुझे कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत रहा लिपस्टिक का तो मैं लगा सकती हूँ, क्योंकि मेरी लिप्स आप देख सकते एकदम ही न्यूट्रल कलर के हैं और कोई भी कलर नहीं है। सो पिंक पिंक भी नहीं दिखता। सो या इसलिए मैं हो सकता है कि लिप बाम या फिर कोई लिपस्टिक शायद लगा सकती हूँ। एक चीज़ ये हो गई। सेकेंड चीज़ ये कि मैं बहुत अच्छे अच्छे DIY ट्राई करूंगी, तो हो सकता है आप उसको शॉर्ट वीडियो में देख सकें। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे चैलेंज वीडियो भी मैं लेके आने वाली हूँ अपने यूनस चैनल पे। और ये भी एक 1 week चैलेंज टाइप का होगा, तो एक व्लॉग जैसा आपको देखने को मिलेगा। साथ साथ में मैं और क्या क्या करने वाली हूँ अपनी स्किन को डिटॉक्स करने के लिए, वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो बहुत सारा मैं वाटर इनटेक करूँगी अलग अलग फॉर्म में, लाइक मैं डिटॉक्स वाटर बना के ट्राई करने वाली हूँ। यू नो, डिटॉक्स वाटर बहुत अच्छा होता है अपने स्किन को, यू नो, अच्छा बनाने के लिए, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। सो या मैं डिटॉक्स वाटर ट्राई करूंगी। मैं जो कॉपर चार्ज वाटर होता है, जो हम सुबह सुबह यू नो कॉपर के जार में से हम लोग इनटेक करते हैं, वो करने वाली हूँ। और दूसरा चीज मैं ट्राई करूंगी कि मैं मैक्सिमम जितना वाटर इनटेक कर सकूँ वो मैं कर सकूँ। और मैं ऑल्सो ट्राई करूंगी कि मैं जितना ज़्यादा हेल्दी से हेल्दी चीज़ें खा सकूं मैं खाऊंगी, लाइक फ्रूट्स एंड यू नो सैलेड एंड घर का खाना। बेसिकली मैं घर का खाना ही खाना प्रेफर करूंगी पूरे वीक में, ताकि मैं कुछ तो यू नो चेंजेस देख पाऊँ अपने स्किन पे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन आने लगा है अपने स्किन को देख के आजकल। एंड ऑल्सो ड्यू टू माई डार्क सर्कल्स, आई विल ट्राई टू अवॉइड यूजिंग मोबाइल जितना ज़्यादा मैं कर सकती हूँ। मतलब मैं मोबाइल बिल्कुल ही अवॉइड करूँगी, मैं ट्राई करूँगी, ये तो हो नहीं सकता, बहुत ही पॉसिबिलिटी बहुत कम है, बट मैं जितना यू नो कम से कम हो सके ट्राई करूँगी कि मोबाइल ना चला पाऊँ। बट उसका कुछ नहीं हो सकता यार, करना ही पड़ता है, वो करना ही पड़ता है। सो अब कुछ नहीं कर सकते, बट या मैं ट्राई कर सकती हूँ, या अपने डार्क सर्कल्स को देखते हुए मैं ट्राई कर सकती हूँ। अच्छा गाइस, तो मैं अभी अभी नहा के आई हूँ, तो मैं सोच रही थी अपना स्किन केयर कर लूँ, तो मैं सोची कि अब वीडियो बना रहे तो वीडियो में ही स्किन केयर कंटिन्यू कर लेते हैं। सो अभी मैं स्किन केयर के लिए जो है सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ, कोई टोनर मैं अभी यहाँ पे यूज़ नहीं कर रही हूँ, ये गुड वाइब्स का जेल यूज़ कर रही हूँ, गुड वाइब्स का पोमोग्रेनेट जेल है ये। सो मैं इसे अप्लाई कर लूँगी अपने फेस पे। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बायोटिक का मॉइस्चराइजर लगाने वाली हूँ, ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है, बहुत ही अच्छा, यू नो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे मॉइस्चराइजर ट्राई कर लिए, बट दिस इज फेवरेट। नेक्स्ट मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ लिप बाम, बायोटिक का ही बायोफ्रूट वाइटनिंग लिप बाम है ये, एंड ये भी मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, लाइक आप देख सकते हो, और ये थोड़ा टिंटेड भी है तो ये अच्छा लगता है लिप्स पे लगाने के बाद में। एंड एक चीज़ और गाइस, कि ये मेरा फर्स्ट टब नहीं है, ये मैं बहुत सारा इसका टब जो है मैं यूज़ कर चुकी हूँ, और बहुत ही अच्छा लिप बाम है ये भी। अगर आपके ड्राई लिप्स होते हैं, फटे हुए लिप्स होते हैं ना, तो ये आपको बहुत काम करेगा। और ये जो मैं लास्ट चीज़ लगा रही हूँ ये है सनस्क्रीन। आपको बिल्कुल भी समर के टाइम में सनस्क्रीन स्किप नहीं करना है गाइस, अच्छे से सनस्क्रीन लगाया करो। देखते रहेगा इस वीडियो को कंटिन्यू। सो आज तो बताना था आपको कि ऐसे ऐसे मैं करने वाली हूँ पूरे वीक के दौरान। सो आप देखते रहेगा वीडियो में आगे कि मैं क्या क्या करती हूँ। ओके बाय। ओके गाइज, सो दिस इज़ डे 2 ऑफ दिस व्लॉग। सो अभी मैं एक DIY मास्क लगाने वाली थी, सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी इसे शेयर कर देना चाहिए। उस DIY के लिए सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट चाहिए, और आपकी स्किन की जो भी टैनिंग और गंक वगैरह है ना, बहुत अच्छे से वो एक्सफोलिएट कर देता है, बहुत ही अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है फेस को। या अभी देखते रहेगा मैं उसे कैसे बनाती हूँ। सो गाइज, एक बोल में आपको लेना है ओट्स। ओट्स मैं यहाँ पे एक स्पून भर के इसमें डाल रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे ओट्स ले लिए हैं, और ये प्लेन ओट्स हैं, क्वेकर ओट्स जो आते हैं ना, वो वाले ओट्स हैं ये, और मैंने इसे थोड़ा सा और क्रश कर लिया था। उसके बाद इसमें आपको डालना है थोड़ा सा मिल्क। मिल्क आप इतना डालें कि ये पूरा अच्छे से भीग जाए। सो मैंने इसमें करीब 1 स्पून मिल्क डाल दिया है,
और इसको अब आपने रख देना है 10 मिनट्स के लिए ताकि जो ओट्स है वो अच्छे से मिल्क को एब्जॉर्ब कर ले और एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए। सो 10 मिनट्स मैं इसको रखती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, सो मैं अभी यहाँ पे डिटॉक्स वाटर बनाने आई हूँ। डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे क्यूकम्बर को थोड़ा कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में, और यहाँ पे मैंने बीट रूट को ग्रेट कर लिया है। उसके साथ में मैंने लिया है तुलसी के पत्ते, और यहाँ पे गाइस पानी की बॉटल मैंने इतनी फिल करी है और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गैप छोड़ दिया है क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब हम इसमें डालेंगे तो वो भी थोड़ा जगह कवर करेगा, सो इसलिए मैंने बस इतना इसमें छोड़ दिया है। तो अब मैं इस पानी में सारे इंग्रेडिएंट्स को डालती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, सो मैंने इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें डाल दिया है, और जैसे ही मैंने बीट रूट डाला ना, सारा पानी का जो कलर है वो पिंक सा हो गया है, सो बहुत ही क्यूट लग रहा है ये। अब कुछ नहीं करना है, बस इसका जो कैप है वो मुझे इसे लगाना है, इसमें लगाना है, और बस इसे मैं थोड़ा शेक करके थोड़ी देर के लिए रख दूंगी तो ये फिर प्रिपेयर हो जाएगा, उसके बाद मैं इसे इनटेक कर सकती हूँ। ओके गाइस, सो दिस इज़ रेडी। मैं इसे अच्छे से शेक कर चुकी हूँ, अब ये मैं इनटेक कर सकती हूँ थोड़ी देर में, मुझे बस इसे रखना होगा। सो अब देखते हैं कि वो ओट्स वाला जो हमने फेस मास्क बनाया था वो प्रिपेयर हो गया होगा, तो मैं उसे अब लगाऊंगी। ओके गाइस, सो दिस इज़ रेडी। ये बहुत ही अच्छे से अब भीग चुका है जो ओट्स है वो, सो मैं इसे अब लगा सकती हूँ अपने फेस पे। सो मैंने इसे लगा लेना है अच्छे से। तो अभी आपको इससे स्क्रब बिल्कुल भी नहीं करना है, अभी बस इसको आपको अप्लाई कर लेना है। सो अभी इसको आपको छोड़ देना है 10 मिनट्स के लिए, उसके बाद जब ये थोड़ा सेमी ड्राई टाइप का हो जाएगा ना, तब आपको इसको स्क्रब करना है। सो मैं इसे अपने फेस पे लगा लेती हूँ। ये जो फेस पैक है ना गाइज, ये आपके फेस में इतना अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है कि अभी आप देखना, इसके बाद जब मैं क्लिप डालूंगी तो आप देखना इतना अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है। सारे जो टैनिंग वगैरह है ना, अगर आपको वन गो में निकालना है तो दिस इज लाइक माय गो टू थिंग। अगर मुझे एकदम टैनिंग हो रखी है और मुझे कहीं जाना है, मुझे मेकअप करना है, सो मैं बस यही चीज़ अप्लाई कर लेती हूँ। सो अभी मैं इसे 10 मिनट्स रखती हूँ, इतना रखती हूँ ताकि ये थोड़ा थोड़ा ड्राई भी रहे, थोड़ा थोड़ा गीला भी रहे, उतना रखती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके गाइस, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ये बहुत हद तक ड्राई हो गया, थोड़ा थोड़ा इसके पार्टिकल्स जो है वो मुझे वेट लग रहे हैं। सो अभी इस मोमेंट पे आपको क्या करना है, आपको रब कर करके बस ऐसे रब सर्कुलर मोशन में रब करते हुए इसे निकालना है। ओके सो इसे ऐसे रब करते करते आपको अच्छे से निकालना है। आप चाहे तो अगर आपको ज़्यादा ड्राई लग रहा हो ना, तो थोड़ा बहुत पानी भी ले सकते, एकदम थोड़ा सा पानी आप ले सकते, बस फिर आपको इसे सर्कुलर मोशन में मसाज करते जाना है, तो ये अच्छे से अपने आप निकल निकल के गिरेगा। वॉश करके मैं आपको दिखाती हूँ कि ये स्किन पे कितना अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा सॉफ्ट सपल ग्लोइंग बना देता है फेस को। ओके गाइस, सो आई एम बैक, और देख सकते हो आप मेरी स्किन कितनी एकदम ग्लोइंग लग रही है, बहुत ही सॉफ्ट सप्पल एकदम ही अच्छी लगने लगी है मुझे स्किन अपनी। तो इसके बाद मैं बस अपना स्किन केयर जो है वो मैं कंप्लीट करूंगी, लाइक मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, लिप बाम, ये सारी चीज़ें मैं अप्लाई करूंगी, एंड दैट्स इट। सो दिस इज माय डिटॉक्स वाटर। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है गाइस, आप इसे पी सकते हैं। अगर आपको लाइक ग्रीन टी वगैरह पसंद नहीं आती है ना, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू टू रिड्यूस योर वेट, क्योंकि इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, बनाने में भी बहुत इजी है। यू नो, अगर आप इसे लॉन्ग टाइम पीते हैं, अच्छे बहुत दिन तक इसको टाइम देते हैं, तो ये डेफिनेटली यू नो डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को। सो या इसका पी सकते हैं बना। ओके गाइस, सो टुडे इज डे 3 ऑफ दिस व्लॉग। सो अभी प्लान बना है हम सारी फ्रेंड्स का मिलने जाने के लिए। सो मुझे करना था, थोड़ा सा रेडी वेडी होना था। सो मैं यहाँ पे मेकअप तो कुछ करने नहीं वाली हूँ, तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि बाहर जाने के टाइम मैं कैसा मतलब रेडी हो रही हूँ। सो मैं आप लोग के साथ ये शेयर कर रही हूँ। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ लैक्मे का पीच मिल्क मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइज कर लूँगी फेस को, तो भी काफ़ी हद तक फेस बहुत अच्छा दिखने लग जाता है। सो मैं फर्स्ट ये मॉइस्चराइजर लगा रही अपने फेस पे। इसको लगाने के बाद मैं 2 मिनट वेट करूंगी ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए फेस पे। ओके सो जो नेक्स्ट चीज है वो है ये लोटस का सनस्क्रीन SPF 40 के साथ में। ये थोड़ा टिंटेड सनस्क्रीन है, सो मैं इसे लगाने वाली हूँ, मैं इतना लूंगी। और ये टिंटेड सनस्क्रीन है तो ये एक अच्छा सा यू नो फेस को एक कवरेज प्रोवाइड कर देता है, हल्का सा शीयर कवरेज एकदम ही। सो मैं इसे लगा लेती हूँ अपने फेस पे।
सच कोई धूप तो है नहीं गाइस अभी, बट मैंने फिर भी सनस्क्रीन लगा लिया है क्योंकि ये अच्छा सा कवरेज दे देता है, और सनस्क्रीन लगाना मतलब मेकअप में तो काउंट होगा नहीं, तो थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा फेस यू नो, एंड अब हमको मेकअप भी नहीं करना पड़ेगा। बस मैं मेकअप के नाम पे यहाँ पे लिपस्टिक लगाऊंगी, और ये है डार्लिंग इजाबेला की लिपस्टिक इन द शेड 11 रेडियंट रेड रॉयल्टी। सो ये जो लिपस्टिक है ना ये एकदम अच्छा रेड सा कलर है, मैं इसे इसलिए लगा रही हूँ ताकि फेस पे कुछ नहीं एटलीस्ट लिप्स पे रहेगा तो थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा। मैं इसे थोड़ा न्यूट्रल डाउन करूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोल्ड दिख रहा है, तो मैं इसे थोड़ा सा न्यूट्रल डाउन करूंगी दूसरा एक और लिपस्टिक लगा के इसके ऊपर। ओके सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ मेबलिन का क्रीमी मैट इन द शेड क्ले क्रश। ऐसे ही मैं रेडी होके जाने वाली हूँ, बस मैंने अपना हेयर स्टाइल बना लेना है गाइस, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ मैं आपको फाइनल लुक के साथ में। और आप ऐसे कर सकते हैं अगर आपको मेकअप नहीं करने का मन है, सो इसका बेसिकली आइडिया यही है कि आप ऐसा रेडी हो सकते हैं। ओके ओके यू गाइस, तो मैंने यू नो मैं रेडी हो चुकी हूँ, और ये मैंने थोड़ा बहुत हेयर स्टाइल बना लिया, क्लचर लगा लिया, पीछे थोड़े से फ्लिक्स निकाल लिए हैं क्योंकि फेस में मैंने कुछ मेकअप किया नहीं है, सो थोड़ा हेयर स्टाइल करना बनता है। सो या मैंने बस ऐसे ही मैं रेडी हुई हूँ अभी। आप भी अगर चाहते हैं कि अपने स्किन को थोड़ा रेस्ट दें और मेकअप ना करें, थोड़ा मेकअप स्किप करें, सो आप डेफिनेटली ऐसे तैयार हो सकते हैं। एंड ज़रूरी नहीं कि आप यही सनस्क्रीन लगाएं, आप कुछ और भी लगा सकते हैं, टिंटेड मॉइस्चराइजर्स भी आते हैं, सो आप डेफिनेटली वो भी ट्राई कर सकते हैं। सो अब मैं जा रही हूँ, आई एम रियली इन अ हरी, सो मुझे जल्दी से निकलना होगा, सो मैं जा रही हूँ, बाय बाय, मिलती हूँ मैं आगे। ओके गाइस, सो दिस इज़ डे 5th ऑफ दिस व्लॉग। डे 5th इसलिए क्योंकि डे 4th पे क्या हुआ कि मेरी सिस्टर की मेरी कज़न सिस्टर का बर्थडे था, सो उसमें सारा दिन निकल गया, सो मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। और ऐसा कुछ नहीं है कि उस दिन मैंने जो भी रूटीन मैं फॉलो कर रही हूँ वो मैंने नहीं किया, वो मैंने प्रॉपर फॉलो किया है। एंड टुडे आई एम शेयरिंग अ हॉल विथ यू। मैंने पर्पल से कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, सो वो मुझे कल रिसीव हुए थे, बट मैं उसे कल यू नो वीडियो नहीं बना पाई थी, सो मैं आज एक वीडियो बना रही हूँ उसके लिए। सो इसमें इस बॉक्स में वो सारे प्रोडक्ट्स हैं, दो तीन प्रोडक्ट्स ही हैं, बेसिकली वो सारे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, इसलिए मैं उसको इस वीडियो में इंक्लूड कर रही हूँ। सो फर्स्ट प्रोडक्ट है ये वायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर। ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है, और ये मेरे पास ख़त्म हो चुका था इसलिए मैंने इसे दोबारा परचेज कर लिया है यहाँ पे। सो ये अंदर से कुछ ऐसी पैकेजिंग में है, और ये मॉइस्चराइजर ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही बेस्ट मॉइस्चराइजर है। सो मैं इसे ट्राई भी करूँगी अभी, मतलब आपको लगा के भी दिखाऊंगी सारा चीज़। नेक्स्ट मेरे पास है ये बायो ऑयल भी मैंने अपनी स्किन के लिए ही परचेज किया है, क्योंकि इसके स्किन बेनिफिट्स बहुत सारे मैंने देखे हैं यू नो यूट्यूब वीडियोज़ में, काफ़ी लोगों को स्किन केयर में यूज़ करते हुए। मैं काफ़ी दिन से इसे ट्राई करना चाह रही थी, सो आई थॉट कि चलो इस बार इसे ट्राई देते हैं। और अंदर से ये कुछ ऐसे पैकेजिंग में आता है। नेक्स्ट मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर परचेज की, ये नहीं है स्किन केयर प्रोडक्ट ऑब्वियसली, बट यू नो मुझे ये ब्यूटी ब्लेंडर ट्राई करना था काफ़ी टाइम से, ब्लू हेवन का ब्यूटी ब्लेंडर। सो मैंने सोचा कि चलो इसे ट्राई देते हैं। वैसे भी मैंने कभी भी कोई ब्रांडेड या फिर कुछ ऐसे ब्यूटी ब्लेंडर ट्राई नहीं किया है, सो मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई करते हैं, इन्वेस्ट करके देखते हैं। और ऑब्वियसली इसमें बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा था, आई थिंक 30% या 40%, तब मैंने इसे परचेज किया था। और इसके अंदर कुछ क्यों नहीं आप सोच रहे होंगे, तो ये है ब्यूटी ब्लेंडर, मैंने कल धो के रखा हुआ था ड्राई होने के लिए, सो मैंने इसे अलग से इस कटोरी में रख दिया है ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अब मैं स्किन केयर कर लेती हूँ अपना, मैं नहा के आई हुई थी तो मैं सोची कि चलो स्किन केयर कर लेती हूँ। ओके फर्स्टली तो मैं ये पोमोग्रेनेट जेल लगा रही हूँ एज यूजुअल, जो मैं अभी फॉलो कर रही थी स्किन केयर रूटीन ये, और उसके बाद मॉर्निंग नेक्टा मॉइस्चराइजर जो कि मैं अपनी मम्मी के रूम से लेके आ जाती थी, और उसके बाद क्योंकि मेरा ख़त्म हो चुका था ऑब्वियसली, सो मैं ये लगाती थी, उसके बाद मॉइस्चराइजर लगाती थी अपना मॉर्निंग नेक्टर वाला, उसके बाद फिर मैंने लिप बाम लगाती थी और सनस्क्रीन लोटस का। सो यही मेरा सन रूटीन हुआ करता था। अभी मैं बायो ऑयल को इंक्लूड कर रही हूँ अपने स्किन केयर रूटीन में, सो देखते हैं अभी जितने दिन ये ब्लॉग चल रहा है तब तक देखते हैं कि कुछ इफेक्ट आता है कि नहीं स्किन पे। दिस इज द मॉइस्चराइजर, मैं थोड़ा सा ही ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर ये ऑयली लगने लगेगा अगर मुझे, और वैसे भी समर का दिन है गाइस, सो ज़्यादा प्रोडक्ट अपने फेस पे बिल्डअप ना करें, नहीं तो फिर ऑयली लगने लगेगा, फिर उससे एक्ने ब्रेकआउट दुनियादारी की चीज़ें हो जाएंगी। उससे बेटर है कि धीरे धीरे लगाएं और कम प्रोडक्ट्स लगाएं। ओके तो ये मैंने बायो ऑयल यू नो 3-4 ड्रॉप्स ले लेना अपने,
ओके सो मैंने इतना सा लिया है. ओके ये भी मैंने ज़्यादा ही ले लिया आई थिंक, बट ओके मैं नेक पे भी लगा लूँगी इसे, कोई बात नहीं. सो मैंने थोड़ा सा रब कर लिया अपने हाथ में, और इसी को मैं जो ऊपर इसका बचा हुआ रहता है ना, इसको थोड़ा अंडर आइज पे भी लगा लेती हूँ अपना, क्योंकि अंडर आइज डार्क सर्कल मेरे को इतने हो गए हैं आजकल, और थोड़ा सा लिप्स पे भी. ओके सो माय स्किन केयर इज डन, एंड ये फाइनली दिस इज माय स्किन आफ्टर माय स्किन केयर. इस प्रोडक्ट को यूज़ करके मैं अभी तो एकदम अपना रिव्यू नहीं दे सकती हूँ गाइज. अगर आपको रिव्यू देखना है बायो ऑयल के ऊपर सो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना. यहाँ पे मैं बायोटी का लिप बाम लगा रही हूँ. एक और चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं ड्रिंक में क्या क्या ले रही हूँ अपने बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए. फर्स्टली तो गाइज मैं ये कॉपर जग में रखा हुआ पानी, रात भर ओवरनाइट रखा हुआ पानी मैं मॉर्निंग में कंज्यूम करती हूँ. मैं अराउंड हाफ ऑफ दिस जग मैं मॉर्निंग में कंज्यूम कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ही ऐसा एक टाइम होता है जब आप मैक्सिमम पानी पी सकते हो यू नो. और इसको भी पीने का कुछ तरीका होता है वो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो. ओके मैं अभी नहीं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. नेक्स्ट यू नो इस बॉटल में ये करीबन 1 लीटर से थोड़ा ज़्यादा या 1 लीटर का बॉटल है. इसमें 2 बॉटल तो आराम से पानी ऐसे नॉर्मल वाला पी जाती हूँ, एंड ऑल्सो मैं 1 बॉटल डिटॉक्स वाटर जो अपना बनाती वो मैं पी जाती हूँ. सो इन टोटल मैं करीब 3 बॉटल पानी तो मैं अभी पी ही रही हूँ. एंड या थर्ड चीज जो मैं कर रही हूँ अपनी स्किन को डिटॉक्स करने के लिए, वो मॉर्निंग वाला तो हो गया, अब दिन भर का भी हो गया. सो रात में जब मैं सोने जाती हूँ उससे पहले मैं करती हूँ एक यू नो ड्रिंक तैयार, उसका आप के आगे वीडियो देख सकेंगे. सो मैं वो ड्रिंक तैयार करती हूँ, वो मैं बेड टाइम से पहले पी लेती हूँ, यू नो थोड़े 10 मिनट पहले मैं पी लेती हूँ, उसके बाद मैं सो जाती हूँ. गाइज यही मैं आपसे आज शेयर करना चाहती थी, और हो सकता है कि मैं कल एक आध DIY आपके साथ शेयर करूँ. तो आगे ब्लॉग को देखते रहिएगा. ओके गाइज सो टुडे इज लास्ट डे ऑफ दिस व्लॉग. ये लास्ट डे इसलिए है क्योंकि मैंने 2 दिन बिल्कुल भी कुछ शूट नहीं किया है, लास्ट 2 डेज मतलब, और आज 8th डे है. सो मंडे लास्ट मंडे मैंने स्टार्ट किया था और आज फिर से मंडे है. सो मैंने सोचा कि स्किन डिटॉक्स है और कोई क्ले मास्क मैंने नहीं लगाया, तो मैंने सोचा कि आज एक क्ले मास्क से एंड करते हैं इस वीडियो को. सो मैंने एक क्ले मास्क बनाया है, वो अब कैसे बनाते हैं वो आप देख लीजिए. यहाँ पे मेरे पास ये क्ले मास्क रेडी है, अब मैं इसे लगाने वाली हूँ. सो मुल्तानी मिट्टी बहुत ही अच्छा डिटॉक्स करने के लिए हेल्प करता है हमारी स्किन को. सो इसलिए मैं मुल्तानी मिट्टी इंक्लूड की हूँ इस मास्क में. और मैं मुझे जब भी ऐसे एक्ने या फिर कुछ स्किन का इशू होता है ना, तो मैं मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है वो मुल्तानी मिट्टी ही रहता है. सो मैं मुल्तानी मिट्टी बहुत रेगुलरली यूज़ करती हूँ अपने फेस को यू नो ट्रीट करने के लिए, अपने स्किन के लिए, और मैं बहुत लोगों को सजेस्ट भी करती हूँ. और सेकेंड इसमें मैंने डाला है कॉफ़ी पाउडर. कॉफ़ी पाउडर बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट जैसा वर्क करता है हमारे स्किन के लिए. 10-15 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी ताकि ड्राई हो सके, उसके बाद में इसे वॉश कर लूँगी. सो मैं इसे अभी अपने फेस पर लगा लेती हूँ. और काफ़ी यू नो ये 1 वीक मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं यूज़ किया है. बस एक दिन मैं जब अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी तो मैंने बस खाली लिपस्टिक लगाई थी और कुछ भी नहीं. मैंने मेकअप के कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किए हैं अपने स्किन पे, तो बिल्कुल भी नहीं किए. और बस अपना जो स्किन केयर है वो मैं काफ़ी अच्छे से करती रही हूँ अभी 1 वीक तक के. सो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा, मेरी स्किन बहुत ही लाइट फील करने लगी है, एकदम यू नो टेक्स्चर वगैरह भी जो थे काफ़ी हद तक के यू नो रिड्यूस हो गए हैं. सबसे ज़्यादा तो मेरी स्किन जो डलनेस थी ना वो काफ़ी हद तक के गायब हो गई है. टोटल ओवरऑल इस वीक में मैंने कम से कम 3 या 4 मास्क ट्राई किए हैं. सो मैंने सोचा कि एटलीस्ट 2 तो मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर देती हूँ और 2 मैं अलग से शॉर्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी. सो यहाँ गाइस आई होप ये सारा जो मैंने किया है स्किन डिटॉक्स करने के लिए वो आपको भी अपने स्किन डिटॉक्स करने में हेल्प करे. सो मैंने इसी पर्पज से ये वीडियो बनाया है. सो आप भी चाहे तो 1 वीक स्किन डिटॉक्स चैलेंज ले सकते हैं अपने स्किन को थोड़ा सा आराम देने के लिए, ताकि वो अच्छे से रिपेयर
रिपेयर कर पाए, रिजुविनेट कर पाए. सो और मैंने सारे ही नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, यू नो DIYs और डिटॉक्स ड्रिंक्स वगैरह जो मैंने ली है उसके लिए मैंने सारे ही नेचुरल प्रोडक्ट्स यू नो यूज़ किया है. कोई भी ऐसे बाहर जो आपको लेके आना पड़े, यू नो परचेज करना पड़े, ऐसे बहुत ही कम प्रोडक्ट्स हैं. और उसके साथ साथ मैं अपने स्किन केयर को बहुत अच्छे से मैंने फॉलो किया है, बिल्कुल भी एक भी टाइम मैंने अपने स्किन केयर को स्किप नहीं किया है. सो या मैंने अब ये मास्क लगा लिया तो मैं अब ज़्यादा बोलती नहीं क्योंकि ड्राई होने लगा है. सो मैं इससे वॉश करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ. ओके ओके यू गाइस, मैंने अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है और मेरा फेस काफ़ी क्लीन लग रहा है मुझे अभी. सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो. और मैंने अभी अपने फेस पे कुछ नहीं लगाया, सो मैं यहाँ पे बायो ऑयल लगाने जा रही हूँ. सो मैं अच्छे से इसे अपने फेस पे लगा लेती हूँ. आप देख सकते हैं कि मेरी स्किन काफ़ी पहले से बेटर हो चुकी है और डार्क सर्कल भी काफ़ी हद तक के रिड्यूस हो चुके हैं यू गाइस. सो गाइज टू सम अप, मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीक में मैंने क्या क्या किया है. मैंने लास्ट मंडे को ये चैलेंज स्टार्ट किया था और इस मंडे तक के 15th of March है आज, तो मैंने इस दिन तक के ये चैलेंज फॉलो किया है टू डिटॉक्स माय स्किन. और यहाँ पे मैंने कोई भी मेकअप यूज़ नहीं किया अपने फेस पे. ऑब्वियसली आप मेकअप थोड़ी देर के लिए वियर करें या फिर यू नो चार पाँच घंटे के लिए लगाएं तो उससे कुछ स्किन पर फर्क नहीं पड़ता. और ये भी बात है कि आप अच्छे से स्किन केयर रूटीन फॉलो करें तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. बट फिर भी यू नो मैं चाहती थी कि मैं थोड़ा सा स्किप करूँ मेकअप. और उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से अपने स्किन केयर को फॉलो किया है. मैंने 4 मास्क लगाए हैं इस वीक में टोटल. अंदर से भी अच्छा बने मेरा स्किन, इसलिए मैंने काफ़ी कुछ इनटेक भी किया है. मैंने डिटॉक्स वाटर पिए हैं, ग्रीन टी पी है, यू नो डिटॉक्स ड्रिंक्स पिए हैं, कॉपर चार्ज वाटर पिया है. सो मैंने काफ़ी कुछ किया है अपने बॉडी को अंदर से भी क्लीन करने के लिए. स्किन केयर इज़ नॉट अबाउट यू नो जो आप बाहर से लगाए जा रहे अपने स्किन पे और आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं. आपकी बॉडी जब तक हेल्दी नहीं रहेगी तो स्किन भी आपकी हेल्दी नहीं रहेगी, इसीलिए आप अपनी बॉडी को भी अच्छे से क्लीन करिए. तो मैंने यही सारी चीज़ें फॉलो की है थ्रू आउट दिस वीक. और मैंने ट्राई किया है कि मैं मोबाइल भी कम से कम चलाऊँ, जितना कम हो सके उतना चलाऊँ. सो या आई होप ये वीक आपको पसंद आया होगा, ये चैलेंज आपको पसंद आया होगा. सो अगर आपको पसंद आया, आपको हेल्पफुल लगा कि आप क्या क्या कर सकते हैं अपने स्किन को डिटॉक्स करने के लिए, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको भी इसकी ज़रूरत हो. लाइक यू नो अगर आपको कुछ आपके घर में फंक्शन आ रहा हो तो आप उससे एक वीक पहले ये डेफिनेटली कर सकते हैं. सो यार शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो. एंड या गाइज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो. एंड या लव यू ऑल, बाय.